दोस्तों, भगत सिंह को कौन नहीं जानता। भगत सिंह भारत के एक क्रांतिकारी एवं सच्चे आंदोलनकारी थे। इन्हीं के देहांत अर्थात जब इनको फांसी हुई थी, उसी की याद में आज हम प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ में इनके अन्य साथियों को भी उस दिन फांसी हुई थी, जिनके नाम थे सुखदेव और राजगुरु। इन्हीं शहीद भगत सिंह ने क्रांतिकारियों के नाम एक पत्र लिखा था, जिस पत्र का शीर्षक था, आदर्शों के लिए लड़ने वाला सच्चा क्रांतिकारी है। पत्र इस प्रकार था, प्यारे भाई, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान दे सकते हैं। तुम्हें आजीवन कारावास हुआ है, तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का सामना भी कर सकते हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति पाने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी फांसी से बच गए हैं, उन्हें दुनिया को दिखाना चाहिए कि वे न सिर्फ आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों के अत्याचारों को सहन भी कर सकते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव पाकिस्तान में हुआ था। इनका देहांत यानी कि इनको फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो एक किसान थे, जबकि इनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि इनकी एक पत्नी थी, जबकि असल में ये अविवाहित थे। इन्होंने जब असेंबली पर बम फेंका और सैंडर्स की हत्या की थी, उस समय अंग्रेजों से बचने के लिए दुर्गा देवी, जो कि भगवती चरण वोरा की पत्नी थी, इन्होंने भगत सिंह के साथ पत्नी बनने का नाटक किया था, जिससे कि ये अंग्रेजों से बच सके। भगत सिंह से जब इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी, तो इन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल ले। फिर एक मिनट के बाद किताब को इन्होंने छत की ओर उछाला और बोले, ठीक है, अब चलो। इस प्रकार भगत सिंह भारत के एक सच्चे क्रांतिकारी तो थे ही, साथ ही इन्होंने अन्य क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए भी बहुत कार्य किए थे। भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन्होंने यह यादगार पत्र भी सेंट्रल जेल लाहौर से ही लिखा था।